अगर हमने वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि वायरलेस लैंड को कंसिडर किया तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वायरलेस लैंड. फर्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस नेटवर्क एंड सेकेंड इज एडहॉक वायरलेस नेटवर्क. इस वीडियो में हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस नेटवर्क का अभ्यास करने वाले हैं. सबसे पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस नेटवर्क का मतलब क्या होता है. इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस नेटवर्क का मतलब एक ऐसा वायरलेस नेटवर्क जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड है, जिसका एक स्ट्रक्चर है, जिसका एक स्केलेटन है, जिसके अंदर अलग अलग राउटर्स हो सकते हैं, जिसके अंदर अलग अलग एक्सेस पॉइंट्स हो सकते हैं. तो ऐसे वायरलेस नेटवर्क को इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस नेटवर्क कहा जाता है. अब इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस नेटवर्क का ये हमारा डायग्राम है जिसको ऑब्वियसली तुम एग्जाम में भी ड्रॉ कर सकते हो. सबसे पहले इस डायग्राम को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं और उसके बाद हम इस टॉपिक के अंदर गहराई में डीप डाइव करेंगे, ठीक है. अभी इस डायग्राम में सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो दो नोड्स है वो इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है, ये जो दो नोड्स है वो इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है और ये जो दो नोड्स है वो इस एक्सेस पॉइंट से कनेक्टेड है. और इस डायग्राम में हमारे पास तीन एक्सेस पॉइंट्स है, एक्सेस पॉइंट 1, एक्सेस पॉइंट 2, एक्सेस पॉइंट 3. अब तुम लोग ये पूछोगे कि एक्सेस पॉइंट करता क्या है. एक्सेस पॉइंट के टोटल तीन काम होता है. सबसे पहला काम इज कि लेट्स से फॉर एग्जांपल ये नोड इस एक्सेस पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है और अगर इस नोड को कहीं और कोई डेटा पैकेट सेंड करना है तो सबसे पहले ये नोड उस डेटा पैकेट को जिस एक्सेस पॉइंट से वो कनेक्टेड है डायरेक्टली उस एक्सेस पॉइंट पे सेंड करेगा और फिर वो डेटा पैकेट ये एक्सेस पॉइंट आगे फॉरवर्ड करेगा, काइंड ऑफ दैट स्टफ. तो ये एक्सेस पॉइंट का सबसे पहला काम होता है. दूसरा काम ये होता है कि अगर सपोज लेट्स से कहीं और से डेटा पैकेट आ रहा है फॉर दिस नोड, तो क्योंकि ये नोड इस एक्सेस पॉइंट से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो सबसे पहले वो कहीं और से आने वाला डेटा पैकेट इस एक्सेस पॉइंट के पास आएगा और फिर ये एक्सेस पॉइंट डायरेक्टली वो डेटा पैकेट इसको दे देगा या इसको वो फॉरवर्ड कर देगा. ये दूसरा काम होता है. और तीसरा काम ये होता है कि एक्सेस पॉइंट जो होता है वो नोड्स को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है. क्यों? वो इसीलिए क्योंकि एक्सेस पॉइंट वायर्ड नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, ठीक है. अब हम इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस नेटवर्क के और ज़्यादा अंदर डीप डाइव करेंगे. अब इस टॉपिक के ऊपर हमारे पास टोटल 6 पॉइंट्स हैं और इन 6 पॉइंट्स का अभ्यास हम करेंगे और इसी से आपको ये टॉपिक पूरा का पूरा समझ जाएगा. सबसे पहला पॉइंट इज ऑल एक्सेस पॉइंट्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड विथ ईच अदर. बहुत ही ज़्यादा सुंदर पॉइंट है. सारे के सारे एक्सेस पॉइंट्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. देखो स्टार्टिंग में कोई भी दो एक्सेस पॉइंट्स को चूज कर लो. लेट्स से इस एक्सेस पॉइंट को और इस एक्सेस पॉइंट को चूज कर लेते हैं. ये दो एक्सेस पॉइंट्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. देखो अगर इस एक्सेस पॉइंट और इस एक्सेस पॉइंट को चूज किया, ये दो एक्सेस पॉइंट्स भी एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है. और अगर ऐसे भी चूज किया तो वही सिचुएशन है. और अगर तीनों एक्सेस पॉइंट्स को भी चूज किया तो तीनों एक्सेस पॉइंट्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है. सेकेंड पॉइंट सेज दैट कि टू वायरलेस नोड कैनॉट बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर. मतलब दो वायरलेस नोड्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं हो सकते या नहीं है. क्यों? देखो कोई भी दो वायरलेस नोड्स कंसिडर कर लो. लेट्स से हम ये वायरलेस नोड और इस वायरलेस नोड को कंसिडर करते हैं. ये दो वायरलेस नोड एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है. कैसे? लेट्स से अगर इस वायरलेस नोड को इस वायरलेस नोड पे डेटा पैकेट सेंड करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले इस वायरलेस नोड को यहाँ पे डेटा पैकेट सेंड करना पड़ेगा, फिर ये एक्सेस पॉइंट ऐसे इस एक्सेस पॉइंट पे डेटा पैकेट सेंड करेगा वो, और फिर ये एक्सेस पॉइंट इस नोड पे वो डेटा पैकेट सेंड करेगा. तो यहाँ पे डायरेक्ट कनेक्शन तो है ही नहीं. अगर डायरेक्ट कनेक्शन होता था तो ये नोड डायरेक्टली इस नोड पे डेटा पैकेट सेंड कर देता था, बट बीच में ये दो एक्सेस पॉइंट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब ऑब्वियस ही बात है कि दो वायरलेस नोड्स एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, ठीक है. एंड क्योंकि वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है इसीलिए वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते. ओके, थर्ड पॉइंट इज दैट कि डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन वायरलेस नोड्स एंड एक्सेस पॉइंट इज पॉसिबल. मतलब वायरलेस नोड और एक्सेस पॉइंट के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन पॉसिबल है. एंड दिस इज राइट. एक वायरलेस नोड कंसिडर कर लो और एक एक्सेस पॉइंट कंसिडर कर लो. देखो इस वायरलेस नोड को हम कंसिडर करते हैं और इस एक्सेस पॉइंट को हम कंसिडर करते हैं और जैसे कि तुम देख सकते हो कि इन दोनों के बीच में डायरेक्ट कम्युनिकेशन है और वो हो रहा है और ये पॉसिबल है, राइट. जैसे कि तुम देख ही सकते हो. फोर्थ पॉइंट सेज दैट कि एक्सेस पॉइंट्स एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन टू वायर्ड और वायरलेस नेटवर्क्स. अब इस डायग्राम में दो नेटवर्क्स को कंसिडर कर लो. लेट्स से इस नेटवर्क को कंसिडर करते हैं और इस नेटवर्क को कंसिडर करते हैं. अब इन दो नेटवर्क्स के बीच में ये जो एक्सेस पॉइंट्स है ये ब्रिज का काम कर रहा है और ये चीज़ तुम अपने आंखों से ही देख सकते हो.
अगर जैसे इस नोड पे कोई डेटा पैकेट सेंड करना है तो ये डेटा पैकेट यहाँ से आएगा इस एक्सेस पॉइंट पे, फिर ये एक्सेस पॉइंट उस डेटा पैकेट को इस एक्सेस पॉइंट पे ट्रांसफर करेगा और फिर ये एक्सेस पॉइंट उस डेटा पैकेट को इस नोड पे ट्रांसफर कर देगा। तो बेसिकली ये जो दो एक्सेस पॉइंट्स है ये ब्रिज का ही तो काम कर रहे हैं दो नेटवर्क्स के बीच में, यही वो लाइन कह रही है। अब अगले पॉइंट को समझने से पहले मैं आपको मेरे नोट्स के बारे में बता देना चाहता हूँ। इस सब्जेक्ट के नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, अगर आपको बेटर रिजल्ट्स चाहिए या इस टॉपिक के बारे में या इस सब्जेक्ट के सारे टॉपिक्स के बारे में बेटर नॉलेज चाहिए तो आप हमारे नोट्स रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब अगले पॉइंट के ऊपर जंप करते हैं, विच इज डिजाइन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस नेटवर्क इज सिंपल। बहुत ही ज्यादा सिंपल पॉइंट है ये, बस ये कहना चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड वायरलेस नेटवर्क का जो डिजाइन है बहुत ही ज्यादा सिंपल होता है। लास्ट एंड वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट सेज दैट मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म इज इंप्लीमेंटेड इन एक्सेस पॉइंट सो दैट कोल्यूजन वोंट हैपन। इसका मतलब ये है कि मीडियम एक्सेस को कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है वो एक्सेस पॉइंट के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाता है ताकि कोल्यूजन ना हो। अभी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल इस नोड पे डेटा पैकेट सेंड करना है और इस नोड पे डेटा पैकेट सेंड करना है। अब मान लेते हैं कि इन दोनों नोड्स ने डेटा पैकेट्स को सेंड कर दिया तो अभी वो डेटा पैकेट्स कैसे ट्रैवल करेंगे। सबसे पहले वो दो डेटा पैकेट्स यहाँ से इस एक्सेस पॉइंट पे आएंगे, फिर ये एक्सेस पॉइंट उन दोनों डेटा पैकेट्स को यहाँ से इस एक्सेस पॉइंट पे सेंड करेगा और फिर ये एक्सेस पॉइंट उन दोनों डेटा पैकेट्स को इन दोनों नोड्स पे ट्रांसफर कर देगा, यही होगा राइट। अब अगर इन दोनों नोड्स ने साथ में डेटा पैकेट्स को सेंड कर दिया एक ही टाइम पे और अगर इस एक्सेस पॉइंट पे मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म इंप्लीमेंटेड नहीं है तो दोनों डेटा पैकेट्स का कोल्यूजन होने के चांसेस यहाँ पे है। तो कोल्यूजन ना हो इसीलिए हर एक एक्सेस पॉइंट पे मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट किया जाता है। और इसका ये भी फायदा है कि अगर मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म एक्सेस पॉइंट पे इम्प्लीमेंटेड नहीं है तो डेटा पैकेट अपना लोकेशन खो सकता है, मतलब जहाँ पे उसको जाना चाहिए वहाँ पे वो नहीं जाएगा या उसके जगह पे वो कहीं और चले जाएगा। बट क्योंकि हर एक्सेस पॉइंट पे मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म इम्प्लीमेंटेड है इसीलिए डेटा पैकेट वही लोकेशन पे जाता है या वही लोकेशन पे पहुंचता है जहाँ पे उसको पहुंचना चाहिए और यही मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को एक्सेस पॉइंट पे इम्प्लीमेंट करने का फायदा होता है। और अब तुम ये भी कह सकते हो कि अगर ऐसा है तो मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को हम हर एक नोड पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जी नहीं, क्यों? क्योंकि हर एक्सेस पॉइंट पे बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड होते हैं तो क्या ज़्यादा बेटर होगा, हर नोड पे मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करते बैठना या बस उस एक एक्सेस पॉइंट के ऊपर मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को इम्प्लीमेंट करना जिससे बहुत सारे नोड्स कनेक्टेड है? ऑब्वियसली मेरा दूसरा ऑप्शन राइट। तो इसीलिए मीडियम एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म को एक्सेस पॉइंट पे इम्प्लीमेंट किया जाता है और नोट्स पे नहीं। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि वीडियो कैसा लगा, मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दो, मतलब अच्छे से बताओ कि मुझे मेरे चैनल पे क्या इम्प्रूव करना चाहिए, मुझे मेरे वीडियोस में क्या क्या इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए जिससे मैं वो इम्प्रूवमेंट मेरे वीडियोस में लाऊं जिससे आप ही को इन फ्यूचर एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा। और इन सारी की सारी चीज़ों को लिखने में और ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत जाती है, इसलिए अगर आप इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दोगे तो मुझे दिल से काफ़ी अच्छा लगेगा। बाकी यह हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट में आपको इस सब्जेक्ट के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।